अभी का जो टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, सैटरडे 13 जनवरी। सो अभी तक मैं रेस्ट कर रहा था, ऐसे बॉडी में पेन से हो रहा है ना, मतलब बॉडी में वो एनर्जी नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल डाउन फील कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों कैसे हुआ, नाक भी बंद होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। मैं यहाँ पे कभी और हीटर चला रहा हूँ तो ठीक लग रहा है, नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन लेना चाहिए, मगर मेडिसिन मैं ले नहीं रहा। अब थोड़ी देर ऐसे देखूँगा, और अगर ठीक हो गया तो बढ़िया है, 5 बजे तक देखूँगा शाम के, ठीक हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मेडिसिन लूँगा। अब डोलो का 650 डोज, अगर इतने में ठीक नहीं हो रहा है तो। बाय द वे ये जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो थोड़ा तबीयत ख़राब है, मतलब डाउन के साथ ही शुरू हो रहा है, कंटिन्यू करो देखते रहो। इधर पहले मैम का मैसेज आ गया, मेल आ गया कि कितने सब्जेक्ट मतलब कितने चैप्टर्स पढ़ना है, और मेरे को पढ़ने के लिए 18 तारीख तक एग्ज़ाम है, आज 13 है, 5 दिन रह गए बीच में, और बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, और मंडे को आज सैटरडे है, मंडे को PPT प्रेजेंटेशन है, वो भी बहुत ही अच्छे से देना है, वहाँ पे जाके लिटरली 12 से 14 मिनट बोलना ही बोलना है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं नोट्स वगैरह, और उसके साथ साथ वीडियो भी आएगी कि कैसे क्या क्या करना है नहीं करना है प्रॉपर, मतलब ये तो नोट्स बनाने लग गया हूँ, देखते कब तक ये हो जाता है, और बस तबीयत ख़राब ना हो। अभी एग्ज़ाम सीज़न है, एग्ज़ाम सीज़न में अगर तबीयत ख़राब होती है तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कल भी गया था ऐसे ही लेके, फिर भी गया था, कल का ये था सर्वे था इसलिए गया था मैं, आज भी ऐसे ही लग रहा है। दूध तो फट गया था, फिर फटने के बाद अपना जो अरवा है ना इसमें किया क्या कि फटे हुए दूध में थोड़ा सा बटर डाला और उसको उबाल लिया, और ये क्या बन गया, खोआ बन गया। ओ अब इसको खाएंगे, इसमें चीनी भी डाला, डाल दिया, बस मस्त मस्त खोआ खाएंगे। खोआ हुआ तो ठीक है, मगर मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था ना, जैसे ब्लॉग बन गया 10 मिनट और पढ़ाई किया, उसके बाद मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं को खुद सेंस नहीं रहा, मैं एकदम से गिर गया, और गिर के फिर धीरे से मैंने ब्लैंकेट खींचा और सोने की बहुत कोशिश की, मगर सो ही नहीं पाया। फिर उठा, उठ के लिया मेडिसिन लेके, फिर मेरा काम था, मेरा मतलब ये फ्लैट पे सबका काम डिवाइड रहता है ना, तो मेरा काम था अभी झाड़ू पोछा करना, नहीं झाड़ू तो किसी और ने मार दिया था, ऋतिक ने मार दिया था, मेरे को पोछा मारना था, सो इसीलिए मैंने पोछा भी मारा। पोछा मारने के बाद जाके फिर से नहा के आया, और नहा के आने के बाद जैसे कि मैंने अब देखा खोआ बन रहा था, रूम में हीटर लगा रखा है, और मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ अभी थोड़ा सा ऐसा रखा है, मैं पढ़ के जा रहा हूँ इतना ज़्यादा, आप भी देख रहे हो कुछ दिन से बस पढ़ाई के बाद आ रही है, मगर फिर भी जाके जब वो आती है ना टीचर के सामने जगह प्रेजेंट करना, टीचर के सामने जगह वो सारी चीज़ बता देना मैंने जितना पढ़ा है, वो एकदम से स्टॉफ हो जाता है। जब आरुआ पूछती है या फिर ऋत्विक पूछ लेता है आंसर, उसके टाइम मैं बता देता हूँ, टीचर के सामने कुछ जाके एकदम से अच्छा अच्छा इतना बता दिया, इतना बता दिया, और कितना बताऊँ, उस टाइम पर और याद ही नहीं रहता है, पता नहीं ये स्ट्रेस फियर या कुछ है। पिछले दिन भी ऐसे हुआ था कि हमें ना एक टॉपिक के ऊपर जाके सबके सामने जाके बोलना था, और जूनियर्स बहुत थे, तो मैं हमारे जो अपने क्लास वाले थे वो राइट साइड बैठे हुए थे, लेफ्ट साइड जूनियर्स बैठे हुए थे, मैं लेफ्ट साइड आके कॉन्टैक्ट करके उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करके मैं बोल ही नहीं पाया, मैं टीचर को देख के बोल रही हूँ और मैं पीछे देख के बोल रहा हूँ, मगर मैं जूनियर्स की तरफ देख ही नहीं पाया। टीचर ने 2-3 बार टोका कि उनको भी समझाओ, तुम समझा रहे हो टॉपिक, समझाया बहुत अच्छे समझाया, मगर मैं उनके तरफ आई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाया। एक स्टेज फियर का जो चीज़ है ना वो बहुत अंदर काम करता है मेरा एकदम, मतलब ये नेचुरल, कोई सामने नहीं होगा ना, मैं कैमरे के साथ बहुत बात कर सकता हूँ, कोई सामने होता है ना कॉन्शियस हो जाता हूँ,